और उन्होंने इन चार स्तंभों का उल्लेख करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के हमारे गरीब भाई बहन और देश के हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे पशुपालक, उनकी चर्चा की है। इनके सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के जो राह है उसका स्पष्ट दिशा निर्देश आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा है। अच्छा होता, हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी, क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या? देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। आदरणीय अध्यक्ष जी, अच्छा होता कि जाते जाते तो कम से कम इस चर्चा के दरमियान कुछ सकारात्मक बातें होती, कुछ सकारात्मक सुझाव आते, लेकिन हर बार की तरह आप सब साथियों ने देश को बहुत निराश किया, क्योंकि आपकी सोच की मर्यादा देश समझ पा रहा है और उसको बार बार दर्द होता कि ये दशा है इनकी, इनकी सोचने की मर्यादा इतनी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता तो बदल गए लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं, और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका। चुनाव का वर्ष था, थोड़ी मेहनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते, जनता को जरा संदेश दे पाते, उसमें भी फेल गए आप। चलिए ये भी मैं सिखाता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए, और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी, उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए, तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए, और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ, अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री जी, बात कही